friends, I am Jitender Singh. I have just started an innovative restaurant in Jail Road, जिसका नाम है Bobby's Eats and Bites. Bobby मेरा nickname भी है, शायद इसीलिए मेरे को ये suggest किया गया कि आप ऐसा नाम रखिए, Bobby's Eats and Bites. और Eats and Bites इसलिए रखा गया है कि इसमें सब तरह के सब कुछ खाने को आपको मिलेगा. आपको समोसे भी मिलेंगे, आपको खाना भी मिलेगा, आपको चाइनीज़ भी मिलेगा, सब तरह से फूड हमारा अवेलेबल है. और अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको बढ़िया से बढ़िया खाना हर सेगमेंट में दें. मैं इससे पहले कि मैं आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊं, सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं ऑलमोस्ट 20 साल लगभग मैंने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम किया. एज अ सीनियर मैनेजर मैं वहाँ से अलग हुआ हूँ. और उसके बाद मैंने ये फूड इंडस्ट्री, क्योंकि मेरा खाना एक शौक था और मैं अच्छा खाना और खिलाने में विश्वास रखता हूँ, तो इसलिए मैंने ये सेगमेंट शुरू किया. डिस्ट्रिक्ट सेंटर में अपना ये काम शुरू किया, जिसमें मैंने नॉर्मल टेक अवे पे आप लोगों की बहुत तारीफ प्राप्त की. अब पिछले 1-2 महीने से मैंने ये काम यहाँ पर शुरू किया है, जेल रोड के पास में BA ब्लॉक के बाहर मैंने अपना ये रेस्टोरेंट खोला है, जिसमें कि मैं आपकी मैक्सिमम सेवा कर सकूं. सबसे बड़ी बात, 100% वेजिटेरियन है. मैं खुद वेजिटेरियन हूं, इसलिए मैं बिलीव करता हूं कि वेजिटेरियनिज्म बहुत बेटर है, इसलिए इसमें बहुत कुछ इनोवेशन की जा सकती है. उन्हीं को ध्यान रखते हुए मैंने यहाँ पर शुरू किया है. अभी कुछ टाइम पहले हमारा एक समोसा हमने इन्वेंट किया है, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, विच इज़ जिसको हमने नाम दिया है मम्बो जम्बो समोसा, जिसमें कि कंटेंट्स भी डिफरेंट हैं, उसका डिज़ाइन भी डिफरेंट है. और उसके अलावा हमारा आलू मटर पनीर वाला समोसा भी आपको बहुत पसंद आएगा. जो नॉर्मल आलू समोसा आप खाते थे, उसी का इनोवेशन है आलू मटर पनीर समोसा, वो भी आपको पसंद आएगा. प्लस स्पाइसी खाने वालों के लिए हमने एक समोसा इन्वेंट किया है, जिसको हमने नाम दिया है ड्रैगन समोसा. ड्रैगन जैसे कि बहुत भयंकर नाम होता है, उसी तरह से हमने इसको स्पाइसी बनाकर इसको थोड़ा सा इनोवेशन की है, वो भी शायद आप ट्राई करेंगे, आपको बहुत पसंद आएगा. और इसके अलावा खाने में हमारे पास इंडियन स्नैक्स, इंडियन फूड सब कुछ है. और दाल और हमारा चाप आपको बहुत पसंद आएगा. अगर आप आकर यहाँ पर खाएं, या आप कहीं पर भी अपने मंगा कर भी खाएंगे, तो आपको बहुत पसंद आएगा. उसके अलावा हमारे पास चाइनीज़ की पूरी रेंज है. एंड उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि हम टोटल खाना जो समोसों से लेकर और हमारे पूरा खाने तक जो है, वो हम कनोला ऑयल में बना रहे हैं. हम नॉर्मल जो सस्ते ऑयल्स हैं उनको इस्तेमाल नहीं करते हैं. और क्वालिटी का हम एश्योरेंस इसलिए देते हैं, हम एक तो सबसे बड़ी बात WHO की जितनी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हैं. कोविड के ड्यूरिंग एक फॉस्टेक की तरफ से एक स्पेशल ट्रेनिंग का अरेंजमेंट किया गया था फॉर फूड वेंडर्स, जिसको मैंने पूरे तरह से फॉलो किया है, जिसको मैंने जो ट्रेनिंग मैंने खुद अटेंड करी है, और उसके बाद अपने एम्प्लॉयज़ को भी मैं पूरा उसकी तरफ ध्यान देता हूँ. मैं आप सबको एक बार फिर दोबारा से अश्योर करना चाहूँगा कि हम लोग पूरी तरह से कोविड सेफ तरीके से अपना प्रिपरेशन करते हैं. हमारी लोकेशन जो है वो, अगर आप जेल रोड से B1 को एक रोड कनेक्ट करती है, विच इज़ शहीद अनुज नैयर मार्ग, उसमें पोलका बेकरी और सिंह मोबाइल के नाम से दो फेमस शॉप्स हैं, उनके साथ में ही हैं. और सुमेरमल जैन स्कूल भी हमारे नज़दीक ही है. सो आप Bobby's Eats and Bites को अपनी सेवा का मौका दें, और हमारे को उम्मीद है कि आप निराश नहीं होंगे. और हमारा टाइमिंग जो है वो सुबह 10:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक हम फुल टाइम ओपन हैं. एवरी डेज, ऑल द डेज वी आर ओपन. अगर किसी कारणवश इस कोविड के टाइम में आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आप ऑर्डर करना चाहते हैं, तो आप Zomato और स्विगी के थ्रू भी हमारे को ऑर्डर कर सकते हैं. हम पूरी तरह से उस पर हाइजीन का ध्यान देते हुए आपके घर तक खाना पहुंचवाएंगे. तो Bobby जी से बात करने के बाद अब चलते हैं इनके किचन में और देखते हैं कि ये फूड प्रिपेयर कैसे करते हैं, और फूड प्रिपरेशन के बाद हम करेंगे टेस्ट टेस्ट और देंगे अपना फाइनल रिव्यू. तो चलिए चलते हैं इनके किचन में. तो यहाँ पे ये प्रिपेयर कर रहे हैं मम्बो जम्बो समोसा. इस समोसे की खासियत ये है कि इसका जो डिज़ाइन है और जो स्टफिंग है, ये इन्होंने खुद प्रिपेयर की है, खुद से बनाई है, और एक नई इनोवेशन है. काफ़ी अच्छा और यूनिक डिज़ाइन है इसका, और स्टफिंग भी काफ़ी यूनिक है. बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट समोसाज इनके पास हैं, जैसे मम्बो जम्बो, ड्रैगन, आलू पनीर, मटर समोसा. तो ये इनकी स्पेशलिटी है.
तो अगर आप यहाँ पे आएँ तो ये ज़रूर ट्राई करें, और हम भी ये ट्राई करने वाले हैं। जितना भी फूड है ये हमारे लिए प्रिपेयर हो रहा है, तो मैं आपको प्रिपरेशन दिखाता हूँ, उसके बाद टेस्ट टेस्ट करते हैं। तो अब हमारे लिए सेकंड आइटम प्रिपेयर हो रही है, जो कि है वेजिटेरियन फिश टिक्का। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना, वेज फिश टिक्का, क्योंकि ये एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे सब कुछ वेजिटेरियन है, बस नाम इसका फिश टिक्का है, पर ये वेज है। इसकी जो स्टफिंग है वो है सोयाबीन, सोया चाप की। हमारा वेज फिश टिक्का रेडी हो गया है, अब चलते हैं थर्ड आइटम पे। तो अब प्रिपेयर हो रहा है वेज शावरमा रोल, जो कि एक मिडिल ईस्टर्न डेलिकेसी है, बट इन्होंने देसी स्टाइल में वेजिटेरियंस के लिए बनाया है, तो वो प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। तो गाइस, तीनों आइटम्स हो गए रेडी, और अब चलते हैं टेस्ट टेस्ट के लिए और देते हैं अपना रिव्यू। सो लेट्स गो। तो गाइस, जो फर्स्ट आइटम हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं वो है वेज फिश टिक्का, और इसके साथ हमें मिलते हैं दो डिप्स, एक स्पाइसी डिप मिलता है, एक मेयोनीज मिलती है। तो चलिए मैं इसको टेस्ट करके आपको बताता हूँ, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं गार्निशिंग हो रखी है कोरिएंडर और अनियन की। तो चलिए मैं इसको डिप करता हूँ और इसकी एक बाइट लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। तो ये काफ़ी क्रिस्पी है, और इसके ऊपर मसाला डाला हुआ है, उसका काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है, और साथ में जो डिप्स हैं उनका भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है, और जो इसकी फिलिंग है अंदर सोयाबीन चाप, ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो सोयाबीन चाप है। तो मैंने तो ऐसी चीज़ पहली बार खाई है, काफ़ी टेस्टी है यार ये, और मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा आपको कि ये ज़रूर आप एक बार यहाँ आके ट्राई कीजिए, या फिर जोमेटो और स्विगी पे ऑर्डर कीजिए, बहुत अच्छा है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट आइटम पे और उसको ट्राई करते हैं। तो नेक्स्ट आइटम है शावरमा रोल, जो कि वेज शावरमा रोल है, और ये वैसे तो लेबनीज डेलिकेसी है, मिडिल ईस्टर्न डेलिकेसी है, पर इन्होंने इसको वेज में बनाया है। और चलिए मैं ट्राई करता हूँ इसको डिप करके मेयोनीज में, और साथ में मिलती है मिंट चटनी एंड अनियन। तो मैं इस पर डालता हूँ और एक बाइट लेता हूँ, और उसके बाद आपको बताता हूँ कि मुझे इसका टेस्ट कैसा लगा। तो भाई टेस्ट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सारे फ्लेवर्स के ब्लास्ट हो रहे हैं, काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है, और ये थोड़ा स्पाइसियर साइड पे है, थोड़ा स्पाइसी है, और काफ़ी अच्छे से इसमें स्टफिंग डाली गई है, काफ़ी अच्छे फ्लेवर्स हिट हो रहे हैं, और ये रोल जो है बहुत ही अच्छा है, पर थोड़ा स्पाइसी साइड पे है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा रोल है, अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो उसको खा सकते हैं, मेरे हिसाब से स्पाइसी था, हो सकता है आपके हिसाब से स्पाइसी ना हो, बट ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आइटम पे। तो भाई बॉबी जी की जो थर्ड आइटम है वो बहुत ही मशहूर है, बहुत पॉपुलर है, और हॉटेस्ट सेलिंग आइटम है, ये कुछ ही घंटों में बिक जाती है। इसका नाम है ड्रैगन समोसा, और इसको अब टेस्ट करेंगे। पहले मैं आपको इसकी फिलिंग दिखा देता हूँ, और प्रॉपरली दिखा देता हूँ कि इसके अंदर कैसी फिलिंग है, ये देखिए। तो ये देखिए इसके अंदर कितनी अच्छे से फिलिंग हो रखी है, प्रॉपरली इसको फिल कर रखा है, कोई कंजूसी नहीं कर रखी, और ये बहुत ही पॉपुलर है, और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ आपको दो चटनी मिलती है, एक मिंट और एक स्वीट चटनी। तो इसको ट्राई करते हैं, मैं एक बार इसकी बाइट लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो भाई मैंने इसको डिप कर लिया, आप खाते हैं इसको। तो भाई काफी अच्छा टेस्ट है,
और ये भी थोड़ा सा स्पाइसियर साइड पे है, बट इसका नाम ही इसलिए ड्रैगन रखा है, बॉबी जी ने हमें बताया था इसका नाम ड्रैगन इसलिए रखा है कि ये थोड़ा स्पाइसी साइड पे है। तो अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो ये वाला समोसा आप खा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा समोसा है यार, मैं तो इसको 10/10 दूंगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ड्रैगन समोसा इनका। तो अब चलते हैं नेक्स्ट समोसे पे। नेक्स्ट समोसा है आलू पनीर मटर समोसा। तो अब इसको ट्राई करते हैं। आमतौर पे हमें आलू समोसा देखने को मिलता है, बट इन्होंने आलू पनीर मटर समोसा बनाया है। तो इसकी एक बाइट लेता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। भाई बहुत अच्छा टेस्ट है और काफ़ी डिफरेंट है आलू समोसे से, जो नॉर्मल आलू समोसा होता है उससे काफ़ी डिफरेंट है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ के कस्टमर से। जब हम ये टेस्ट टेस्टिंग कर रहे थे तो यहाँ पे कुछ कस्टमर्स आ गए, तो उनका रिव्यू भी ले लेते हैं। हमारा रिव्यू तो आपने सुन ही लिया, अब कस्टमर्स का रिव्यू सुनते हैं। तो चलिए चलते हैं कस्टमर्स के पास। ऑसम, मेरा तो फेवरेट है यहाँ के फ्राइड राइस। पहली बात तो खा लोगे, बहुत जनून। एक फ्राइड राइस, समोसे और एक मोमोस, एक बार ट्राई करना आप भी। ट्रूथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जो समोसा यहाँ पे खाया है ना, मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं खाया। कारण यह है कि कुछ बनाने का तरीका कह सकते हैं आप, कुछ बनाने का तरीका कह सकते हैं और कुछ टेस्ट पर भी डिपेंड करता है। हाइजीनिक, बहुत हाइजीन है, बहुत यहाँ पे मतलब एक तरीके से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एवरी वीक हमारे यहाँ ऑफिस में यहाँ से कम से कम 20 समोसे इन ए वीक 2 times जाते ही जाते हैं। बहुत टेस्टी है, मज़ा आया था मैंने। और टू बी फ्रैंक, हम यहाँ के लोकल हैं, यहीं हैं और यहीं आते हैं भैया के पास ही, और बहुत पुराने हैं। हेलो, पास्ता समोसा भी टेस्ट है। रिकमेंड एक बार समोसा नहीं कहता मैं, एक बार मोमोस ट्राई करें, आप एडिक्ट हो जाओगे, जनरली एडिक्ट हो जाओगे। मेरा जो फेवरेट समोसा है मोमो जो समोसा है, मैंने कई बार खाया और मैं सच में उसका समोसे का फैन हूँ। मैंने और भी कई ट्राई किया है, लेकिन जो टेस्ट मेरे को यहाँ आता है ना, डिपेंड करता है सिर्फ टेस्ट पे। बंदा टेस्ट के लिए ना कहीं भी जाने को तैयार रहता है, और टेस्ट ऑसम जिसे कहते हैं, लिटरली क्वालिटी है, अच्छी है। यहाँ पे समोसे मॉडिफाई होते हैं, जितनी वैरायटी चाहिए आपको, आपको समोसे के अंदर शाही पनीर चाहिए, यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़, यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ भैया, यहाँ पे समोसे मॉडिफाई होते हैं, समोसे मॉडिफाई होते हैं यहाँ पे, इतने प्यारे समोसे। आप कहोगे ना समोसे के अंदर दाल मखनी चाहिए, उसका भी समोसा मिलेगा आपको। एक बार ट्राई ज़रूर करना यहाँ के समोसे, जो मैम्बो जाम्बो है ना, बहुत प्यारे हैं। भाई ब्रदर, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जरूरी नहीं कि यहाँ पे हम समोसे ही खाने आते हैं, हमारे को यहाँ पे लंच की वैरायटी भी बहुत अच्छी मिलती है। लंच में काफ़ी सारी वैरायटियाँ, बहुत अच्छी वैरायटियाँ हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। लाइक मंचूरियन है, शाही पनीर है, बहुत सारी चीज़ें, फ्राइड राइस है, नूडल्स है, बहुत अच्छे नान भी, बहुत अच्छा मजा। नान की तारीफ करी थी परसों जब पार्टी करी थी, नान की तारीफ करी थी, बेस्ट पार्टी। थैंक यू। ओके सर, लेट्स एंजॉय। परमात्मा की कृपा से हमारे जो समोसे हैं इनका रिस्पांस बहुत अच्छा है। स्पेशली जो हमारा मंबो जंबो समोसा है, वो तो हम मतलब ऑर्डर पूरे कर ही नहीं पा रहे हैं, इतना उसका वो आ रहा है। सुबह हम बनाते हैं और शाम को 3, 3:30, 4 बजे तक हमारे सारे समोसे ख़त्म हो जाते हैं। नॉट ओनली मंबो जंबो, बट हमारा आलू मटर पनीर समोसा जो है वो भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग ये कोशिश करते रहेंगे कि आपको नए से नए चीज़ हर बार देते रहें, इनोवेशन करते रहें और बढ़िया से बढ़िया चीज़ आप तक पहुंचाते रहें। आप आकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।